हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ की हिस्ट्री का लेसन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स। मींस इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैप्स कैसे डिफरेंट थे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पास्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इस बुक में पढ़ेंगे। तो अपनी स्टडी के लिए हमने हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हिस्ट्री आती है उसको हम बोलते हैं एंशियंट पीरियड, फिर आता है हमारा मेडिवल पीरियड और फिर आता है मॉडर्न। तो ये है मिड वाला पीरियड, ना ये बहुत आधुनिक है, मतलब आज की स्टोरी है, ना ही बहुत ज़्यादा पुरानी, ये बीच का पीरियड, उसको हम बोलते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैप से। तो मैप क्या होता है, वो तो नक्शा होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री या अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जगह कैसी थी, कौन से हिस्से में, लैंड वाला हिस्सा कौन सा था, समुद्री हिस्सा कौन सा था, तो वो सारा हमें मैप से पता चलता है। तो हमारे पास इस चैप्टर में हमें दो तरह के मैप जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो पहला मैप है वो बनाया है एक अरब ज्योग्राफर ने, जिसका नाम है अल इदरीसी। ये इसने बनाया है 1154 में। तो जो लोग मैप बनाते हैं हम उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर्स। तो कार्टोग्राफर्स हम क्या बोल सकते हैं, दैट दे आर स्किल्ड पीपल हु मेक मैप्स। सेकेंड मैप जो है वो बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, वो उन्होंने बनाया था 1720 में। तो अगर हम इन दोनों मैप्स को देखें तो हमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो नज़र आएंगी। एक मैप जो है वो दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। और वैसे ही अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन प्रेजेंट हम अपने इंडिया के मैप से करें तो जो सेकंड वाला मैप है वो थोड़ा थोड़ा हमारी इंडिया के मैप से मिलता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये चेंज हो गई कि नक्शा कैसे चेंज हुआ इतने सालों में। उसके बाद आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज होते हैं कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द जिनका पहले भी इस्तेमाल होता था और जिनका आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले उनका मीनिंग कुछ और था और आज के कंटेक्स्ट में उनका मीनिंग कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान तो हम अभी इंडिया को बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था मिनहाज ए सिराज ने, ठीक है। वो जो क्रॉनिकलर होते हैं हिस्ट्री को लिखने वाले लोग, तो सबसे पहले जो मिनहाज ए सिराज है उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान का। तब हिंदुस्तान का मीनिंग था एरिया, कौन कौन सा एरिया आता था इसमें, कौन कौन सी जगह आती थी, कौन कौन से रीजन आते थे। तो इसमें आता था पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच की ज़मीन। उसके बाद दूसरा इसका इस्तेमाल किया बाबर ने। तो बाबर ने इसको क्या बोला, डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी द फाना एंड द कल्चर, कि इस सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो मतलब वहाँ पे लैंड कैसी है, पहाड़ कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कौन कौन से ट्रीज उगे हुए हैं, उन लोगों का कल्चर क्या है, उस वे में इसको यूज़ किया गया वर्ड हिंदुस्तान को। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान किसको बोला जाता है, पूरी इंडिया को बोला जाता है, यानी कि एक पॉलिटिकल रीजन है, एक नेशन है। सेकेंड वर्ड है हमारे पास फॉरेनर। तो फॉरेनर हम बोलते हैं जो विदेशी हो, जो हमारे देश से संबंध नहीं रखता हो, ठीक है। आज के डेट में हम ये डेफिनेशन देते हैं फॉरेनर की। लेकिन मेडिवल पीरियड में फॉरेनर उस आदमी को बोला जाता था जो कि आपकी जगह से नहीं है, जो आपके गांव से नहीं है, जिसका कल्चर आपसे नहीं मिलता है, जिसका रहन सहन आपसे नहीं मिलता है, तो उस पर्सन को वो क्या बोलते थे, फॉरेनर बोलते थे। तो आज अगर हम देखें तो हम जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको हम फॉरेनर नहीं बोलते, जो हमारे देश से कहीं बाहर के हैं, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो यहाँ के जो लोग हमारे इंडिया में आते हैं हम इन लोगों को फॉरेनर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज,
मीन्स हमें जो भी जानकारी मिली है हमारे पास्ट के बारे में, कि पहले हमसे पहले कौन लोग रहते थे, क्या करते थे, कौन से राजा हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वो सारी जानकारी हम कहाँ से लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन्स की। तो कॉइन होते हैं सिक्के, जैसे हमारे टाइम में, जैसे भी है एक रुपए का सिक्का आपने देखा होगा, दो का, पाँच का, उसी तरह पुराने टाइम में जो राजा थे वो भी सिक्के बनाते थे, या तो सिल्वर के बनाते थे या गोल्ड के बनाते थे, और उस पर अपना नाम लिख लेते थे या अपना फोटोज़ डाल देते थे, इमेजेस लगा लेते थे उन पे, जिस भगवान को वो पूजते हैं या उनकी वो पिक्चर वहाँ पे लगा लेते थे। इन सिक्कों को देखकर हमें पता चलता है कि कौन सी सदी में कौन से राजा ने राज किया और वो कौन से देवता को मानते थे। तो ये हमारे पास कुछ सिक्के हैं, आप इन पे देख सकते हो कि कैसे इस पे फिगर्स बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है और उस ईयर का भी मेंशन किया हुआ कि कौन से ईयर में ये बने हैं सिक्के। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस में भी राजाओं के बारे में लिखा होता है, लेकिन लिखा कहाँ होता है, ये चट्टानों को कुरेद के उस पर लिखा होता है या फिर लकड़ी को कुरेद कर उस पर लिखा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस चट्टानों पे भी लिखी हुई है, देन लकड़ी पे भी लिखी हुई है, तो इससे हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता है स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन से तरीके से बनाई गई है, कौन से डिज़ाइन से बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, क्या पैटर्न है। तो ये हर एक युग में जो था वो अलग अलग पैटर्न था। तो अलग, अगर हम मेडिवल टाइम के मंदिर देखें तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, वहाँ पे हमें पता चलता है उसके जो पिलर्स होंगे वहाँ पे लिखा होता है कौन से राजा ने इस मंदिर को कब बनाया हुआ है। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है अपने पास्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड। टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते हैं रिटन रिकॉर्ड, लिखे हुए रिकॉर्ड। तो ये भी पाम लीव्स पे लिखे जा सकते हैं या फिर पेपर पे लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लेसन में पेपर की एक बहुत अच्छी इन्होंने दिया है कि पेपर की क्या कंडीशन थी वहाँ पे उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में, पेपर मतलब कि सस्ता था कि महंगा था, तो उसके बारे में बताया गया है। इस टाइम में जो था वो पेपर थोड़ा सा सस्ता हो गया था, तो लोग क्या करने लगे थे, पेपर का इस्तेमाल करने लगे थे, चट्टानों, लकड़ियों और लीव्स, पत्तों की अपेक्षा वो कहाँ लिखने लगे थे, अब पेपर पे लिखने लगे थे। बड़ी बड़ी जैसे होली टेक्स्ट होते हैं, जैसे हमारी गीता है, रामायण है, कुरान है, तो ये कहाँ लिखी जाती थी, कागज़ पे लिखी जाती थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे संतों की कोई अच्छी अच्छी वाणियाँ हैं वो लिखी जाती थी, फिर जो हमारे जज होते थे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे तो पेपर पे करते थे, फिर किसी ऑफिस में कोई अकाउंट्स बनाए हैं उन्होंने या टैक्स कितना लिया कितना नहीं लिया, उसका सारा हिसाब जो है वो पेपर पे रखा जाता था। नेक्स्ट आता है मैनुस्क्रिप्ट्स। तो मैनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, ये भी लिखी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये लिखी हुई चीज़ें पाम लीव्स पे हो सकती हैं, पेपर पे हो सकती हैं, तो किन लोगों के पास होती थी, ये अमीरों के पास होती थी, राजाओं के पास होती थी या टेंपल्स में होती थी, मंदिरों में होती थी। तो इनको वहाँ से इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाता था, तो उस जगह को बोला जाता है लाइब्रेरी या आर्काइव्स भी बोला जाता है। तो आर्काइव्स में हम क्या रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो ये सारी चीज़ें जब स्टडी करते थे तो उनको हमारे पास्ट के बारे में पता चलता था। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि ये जो कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखो बुरी हालत हो गई है इन कागज़ की, तो जब कागज़ फटने लगते हैं तो उन पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कुछ लोगों को बुलाते थे और उनका काम क्या होता था, पुरानी किताब से उतार कर उसे नई एक नोटबुक पर लिखना, ठीक है। तो लेकिन जब क्या होता था, हम ही किसी के लिखाई जब उतारते हैं, जैसे एक बच्चा दूसरे की कॉपी से कुछ उतारता है, तो कई बार उससे कुछ वर्ड्स जो हैं वो पढ़े नहीं जाते हैं, जैसे किसी ने पी लिखा है तो वो उसको बी दिखाई देगा। तो इस तरह से क्या होता था, जब वो स्क्राइब्स, उनको स्क्राइब बोला जाता है, जो कॉपी करते हैं ना एक टेक्स्ट को दूसरी जगह पे उतारते हैं, उनको स्क्राइब्स बोला जाता है। तो जब वो कॉपी करते थे, लिखते थे अपने हाथों से, तो बहुत सारे
जगह ऐसा होता था कि उनको पता ही नहीं चलता था यहाँ पर क्या लिखा है, तो वो अपनी मर्जी से जो उनको लगता था ना शायद ये वाली चीज़ होगी लिखी हुई, तो वही वो उतार देते थे। तो ऐसा देखा गया कि बहुत टाइम के बाद जो पहला टेक्स्ट था और जो लास्ट में लिखा गया वो बिल्कुल डिफरेंट थे और उनका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, मतलब लिखने वाले ने कुछ और लिखा है और लास्ट तक जो लोगों के पास पहुंचा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। पहली बार जब किसी ने हिस्ट्री लिखी या किसी ने लिखना शुरू किया तो वो थे क्रॉनिकल 14th century क्रॉनिकलर और उनका नाम था जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 14th century क्रॉनिकलर कौन थे, तो जियाउद्दीन बरनी थे जिन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था, रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया था।